तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज मेडिकल नेग्लिजेंस पर। ठीक है, अब मेडिकल नेग्लिजेंस जो है दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज ए लैक ऑफ रीजनेबल केयर या स्किल या फिर विलफुल नेग्लिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट विच कैन इंडेंजर पेशेंट्स लाइफ। ठीक है, तो ये है मेडिकल नेग्लिजेंस। अब मेडिकल नेग्लिजेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला जो टाइप होता है मेडिकल नेग्लिजेंस का, दैट इज़ कॉल्ड योर सिविल नेग्लिजेंस। ठीक है, सिविल नेग्लिजेंस जो है दैट इज़ बेसिकली कम दर्जे की नेग्लिजेंस होगी। ठीक है, इट इज़ डेल्ट इन ऑब्वियसली सिविल कोड्स। इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोस की डेफिनेशंस कैन वेरी, लैक ऑफ रीजनेबल स्किल या फिर लैक ऑफ अप्लाइंग रीजनेबल स्किल इज ऑल्सो वो। ठीक है, तो दिस इज वॉट यू कॉल सिविल नेग्लिजेंस। फिर उसके बाद हमारे पास आती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है उसमें ये होता है कि इट इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल ग्रॉस इग्नोरेंस, मतलब कि कोई परवाह ही नहीं है एंड देन प्रोसीजर कर रहे हैं, ना ही कोई एनेस्थीसिया सही से दिया या फिर कोई लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो फिर उसका वो स्क्रीनिंग नहीं की या ऐसी कोई चीज़। ठीक है, ग्रॉस इग्नोरेंस विच इंडेंजर्स पर्सनस लाइफ। ठीक है, और अगर इसमें वो बंदा मर जाता है तो फिर डॉक्टर इज चार्ज्ड विथ मैनस्लॉटर। ठीक है, ये तो दो मेन किस्म के पहले ही आते हैं दिमाग में। उसके अलावा देर इज ऑल्सो दो और, नंबर थर्ड वन इज़ वॉट यू कॉल कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो होती है दैट इज़ बेसिकली उसमें दोनों का हिस्सा होता है, बोथ डॉक्टर एंड पेशेंट आर नेग्लिजेंट। ठीक है, एंड देन उनका ब्लेम जो होगा दैट इज डिवाइडेड बिटवीन देम। ठीक है, और इसमें ये होगा कि क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर ने तो अपनी नेग्लिजेंस दिखाई लेकिन पेशेंट की तरफ से क्या क्या गलती हो सकती है। तो या तो पेशेंट ने करेक्ट हिस्ट्री नहीं दी हो। ठीक है, या फिर पेशेंट ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए हो। ठीक है, या फिर पेशेंट ने प्रॉपर एग्जामिन नहीं करने दिया हो या फिर दवाइयाँ सही से नहीं ली हो। डिडंट यूज ड्रग्स रेगुलरली। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस में पेशेंट का हिस्सा ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, हिस्ट्री सही नहीं दी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि देयर इज ऑल्सो थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। अब थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस क्या होता है कि जो डॉक्टर के अलावा स्टाफ है, तो नर्सेस, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट और उसके अलावा दूसरी जो भी स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ जो भी, तो उनकी वजह से अगर कोई पेशेंट को हार्म पहुंच रहा है उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसका भी जो जिम्मा होगा दैट विल बी ऑन द डॉक्टर।
ठीक है, तो फिर इसमें डॉक्टर को किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए पहले डिफाइन कर लेते हैं। नेगलिजेंस ऑन बेसिस ऑफ, और नेगलिजेंस ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ वर्किंग अंडर डॉक्टर। इन दिस केस डॉक्टर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इससे बचने के लिए डॉक्टर को क्या क्या करना चाहिए कि जब यूजुअली ये सर्जरी में ज़्यादा कॉमन होता है, तो फिर स्वाब्स चेक करने चाहिए, टूल्स चेक करने चाहिए, जो सर्जिकल टूल्स हैं वगैरह, या तो एक तो काउंटिंग होती है सर्जिकल टूल्स की हमेशा, उसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो के क्लीन इन्वायरमेंट मेंटेन करना। ठीक है, उसके अलावा एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग्स को हमेशा चेक करना चाहिए। सही है, तो दिस इज़ योर थर्ड पार्टी नेगलिजेंस, और ये टाइप्स ऑफ नेगलिजेंस हो गए। फिर हम आते हैं लीगल एस्पेक्ट बेसिकली नेगलिजेंस के। तो लीगल एस्पेक्ट में नेगलिजेंस में ये होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो मोर ऑफन देन नॉट इज ऑन दी पेशेंट। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन पेशेंट, लेकिन एक सिनेरियो होता है जिसको हम कहते हैं रेस इप्सा लिक्विटर। ये बेसिकली इसका मतलब ये है, थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। अब वॉट इज लाइक मफहूम क्या है इसका, कि बेसिकली अगर कोई पेशेंट आ रहा है और उसको नेग्लिजेंस की वजह से इंजरी हुई है, और उसकी इंजरी ऐसी इंजरी है जो एक डॉक्टर ही कर सकता है, बिलफर्ज अगर उसको किसी सर्जिकल टूल की वजह से कोई वो है इंजरी हुई हुई है, या फिर कोई इंजेक्शन का मार के, या फिर कोई ड्रग का रिएक्शन है। ठीक है, तो फिर उन सूरत हाल में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो डॉक्टर पर जाएगा फिर, क्योंकि थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ कि अगर इसको ये इंजरी हुई है, इसको ये डैमेज हुआ है, मोर लाइकली देन नॉट ये डॉक्टर का ही वो होगा, क्योंकि ऐसी इंजरी होती है डॉक्टर के पास है। ठीक है, होपफुली दैट मेक सेंस। यूजुअली जब इंजरी होती है नेग्लिजेंस में, तो देर इज़ लाइक प्लस माइनस के पेशेंट या तो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो पेशेंट को प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन अगर इंजरी है ही ऐसी जो मेडिकल प्रोफेशन से ही रिलेटेड होगी, जब ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन हो गया, अब वो ऑब्वियसली वो तो डॉक्टर का ही होगा ना बर्डन ऑफ प्रूफ उसमें, कि अब वो डॉक्टर प्रूफ करे क्योंकि थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। सही है, तो इस सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ इज चेंज या फिर शिफ्टेड फ्रॉम द पेशेंट टू द डॉक्टर। सिमिलरली इवन इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, क्योंकि उसका जो प्रेफेस है दैट इज़ के दोनों का वो है, उसमें भी बर्डन ऑफ प्रूफ डॉक्टर में ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब व्हाट आर द प्रिकॉशंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस, डॉक्टर अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी डायग्नोसिस हो उसको डबल चेक करें विद दी लैब रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसी डायग्नोसिस है जो कंफ्यूजिंग है, कोई केस कंफ्यूजिंग केस है, तो उसमें क्या करें, कंसल्टेंट से रेफरिंग करें, या फिर स्पेशलिस्ट है उससे कंसल्ट करें। ठीक है, तो अगर कोई दिल का मरीज़ है तो कार्डियोलॉजिस्ट से रेफर करें। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन कराएं बंदों की, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होनी है तो उसको हेपेटाइटिस की इम्यूनाइजेशन करवाएं, क्योंकि उसका फिर डेंजर ऑफ इन्फेक्शन होता है उधर। ठीक है, अगर कोई ड्रग दे रहे हैं जैसे पेनिसिलिन का, मैं मालूम है एनाफाइलेक्टिक शॉक बहुत होता है, तो उसमें ये करते हैं कि पहले टेस्ट डोज देते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं,
ताकि ये पता चले कि एलर्जिक शॉक तो नहीं होगा उसको, या एनाफाइलेक्टिक शॉक तो नहीं होगा उसको। ठीक है, तो सेंसिटिविटी टेस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा दिस कम्स आउट विदाउट सेइंग, बट वैसे भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ना करें ऑन पेशेंट, स्पेशली विदाउट कंसेंट। ठीक है, कोई नया बिल्कुल रिसेंटली कोविड था, तो देयर इज एवरीबडी वॉज लाइक कोई ऐसा रास्ता जिससे मैनेजमेंट सही हो सके पेशेंट की, तो एवरीबडी वॉज ट्राइंग न्यू थिंग्स, कोई कोई चीज़ ज़रा, कोई कोई चीज़ ज़रा। तो पेशेंट की कंसेंट इज़ ऑब्वियसली नेसेसरी, क्योंकि यू हैव टू टेल देम कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी वो है। ठीक है, एंड देन फाइनली नो प्रोसीजर शुड बी टेकन, या फिर नो केस शुड बी टेकन बियॉन्ड वन स्किल। ठीक है, तो दीज आर दी प्रिकॉशंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन करवाना हर चीज़ की, कंसेंट फॉर्म लेना, कंसेंट फॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन करवाना, एक्सरेज करवाना इन केसेस ऑफ इंजरीज, अगर फ्रैक्चर वगैरह हो, ऐसी कोई चीज़ हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हैं हमारी प्रिकॉशंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस। ठीक है, अब वॉट वी विल डू इज़ वी विल प्रॉबेबली एड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो MCQs वगैरह के हिसाब से आ सकती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में तो ऑब्वियसली कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। इन नेक्स्ट वन, दैट इज सिविल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इन सब के टाइप्स के एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मे बी कभी MCQ में आ जाए कि ये एग्जाम्पल दिया एंड देन वो। ठीक है, सिविल नेग्लिजेंस में एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी की इंजरी है तो, और आपने उसको टेटनस सिरम नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वीनो के टेटनस ऑयल में होता है वगैरह, तो किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया एंड देन उसको टेटनस सिरम एंटी टेटनस नहीं दिया, तो फिर उसको टेटनस का खतरा हो सकता है, तो दैट इज सिविल नेग्लिजेंस। ठीक है, एक्सरेज इन फॉर्म इन केसेस ऑफ इंजरी नहीं लिए टू रूल आउट फ्रैक्चर्स वगैरह, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ रेडिएशंस तो कैंसर का रिस्क बढ़ा दिया। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, डेंजरस ड्रग्स यूज़ करते हुए ख्याल नहीं रखना, ये वो चीज़ें। ठीक है, फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस में क्या क्या आ जाता है कि एनेस्थीजिया का डोज कुछ ज़्यादा ही दे दिया, दैट इज़ वेरी सीवियर, दैट वुड किल द पर्सन। एम्पिटेशन ऑफ रॉन्ग फिंगर्स, या फिर एम्पिटेशन ऑफ रॉन्ग बॉडी पार्ट वगैरह। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रॉन्ग पेशेंट, ये भी होता है, कभी कभी पेशेंट मिक्सअप हो जाते हैं। क्रिमिनल अबॉर्शंस, क्या कहते हैं, नारकोटिक्स वगैरह सही तरीके से नहीं डोज करना, इलीगली नारकोटिक्स देना किसी को। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह छोड़ देना, ये सारी चीज़ें दैट इज़ योर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस में ऑब्वियसली इट्स पेशेंट और उसका, तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, उसमें यूजुअली केस में खुद ही आ जाएगा कि पेशेंट ने भी ये किया था वो। थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस में वही अगेन द केस इटसेल्फ टेल्स, सही है। फिर हमारे पास आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का, हमने जिक्र किया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ पेशेंट पर है अनटिलनेस रेस इप्सा लिक्विटर है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ का सीन ये है कि वी हैव टू नो कि वॉट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ इट्सेल्फ। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली ये होता है कि इसको याद रखते हैं 4 Ds से। 4 Ds मतलब कि सबसे पहले ड्यूटी ऑफ डॉक्टर ब्रीच हुई है, सबसे पहली चीज़ ये प्रूफ करनी है, या तो ड्यूटी ऑफ एक्ट या फिर ड्यूटी ऑफ नॉट टू एक्ट, मतलब कि डॉक्टर ने कोई चीज़ ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन या फिर डॉक्टर ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की जो करनी चाहिए थी, सही है। तो ये सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है। फिर उसके अलावा वी हैव टू शो डायरेक्ट कॉजेशन, मतलब कि उस ब्रीच की वजह से ही ये हुआ, ये डिजीज़ हुआ या फिर ये इंजरी हुई, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज कि जो डैमेज हुआ, सही है। तो ये 3 Ds हो गए। फोर्थ डी इज़ द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर इटसेल्फ, इस केस में क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 Ds बेसिकली प्रूविंग होती है
इन केसेस ऑफ पेशेंट पर अगर वो है बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे करना है नेगलिजेंस को, ड्यूटी ऑफ डॉक्टर क्या आती है उस वक्त, ड्यूटी ऑफ डॉक्टर ब्रीच हुई उस वजह से कॉज ये इंजरी कॉज हुई, लिंक बनेगी एंड देन डैमेज ये हुआ उसे पेशेंट को, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेस पर लिकटर का और बर्डन ऑफ प्रूफ का वो, ठीक है। फिर प्रिकॉशंस अगर नेग्लिजेंस है तो उसका इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है।